ड्राइवर चलो जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो, चलो। साला इडियट, पांचवी बार मुझे छोड़ के चला गया। हेलो, हाँ रोहित, नहीं नहीं हम आ गए, अभी नीचे आ रहे, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। या गीता, अरे वाह, व्हाट अ स्कूप, तुम्हारी फिटनेस को ले आई, कमाल हो गया। गीता जी, गीता जी, कांग्रेट राजू, कांग्रेट। ये कपड़े कौन से पहने? नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा इंटरव्यू मुंबई शहर में खलबली मचाने वाला है, खलबली। गीता जी, गीता जी, प्लीज एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट बात करने की। गीता गीता, ओनली 5 मिनट्स फॉर द न्यूज। ओह माय गॉड, इसके कपड़े भी बदलने होंगे, लास्ट चेंजेस कॉस्ट्यूम, ओके? गीता जी, गीता जी, संजना मेरी फाइल कहाँ है? ये लो, इस फाइल में मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, बीच में क्लिपिंग्स भी है। राजू राजू, ये मिस्टर पिंटो है, हमारे ग्राफिक आर्टिस्ट। जब तुम टीवी पर खुनी का हुलिया बताओगे ना, तो ये उसकी हूबहू तस्वीर बनाएंगे। हाँ, तस्वीर बनाएगा। गीता जी, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। गीता जी, गीता जी प्लीज, गीता जी, बाद में राजू, बाद में। संजना, देसाई पटेल की फोटोग्राफ कहाँ? एक मिनट, अलका फोटोग्राफ को। अरे चलो बाबा, कपड़ा बदली करेगा, अब नहीं बदलेगा, फिर ऐसे रहेगा, ये चड्डी बनियान में फुटबॉल खेलेगा। गीता गीता, 2 मिनट्स ले, गीता जी प्लीज, अभी टाइम नहीं है राजू, मुझे कपड़े भी बदलने। गीता जी सुनिए ना, गीता जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं राजू, प्लीज प्लीज प्लीज, गीता जी अकेले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी कहना कैमरा के सामने कहो, अभी टाइम नहीं है। गीता जी, मैं कैमरा के सामने क्या कहूँगा? गीता जी, जो कुछ भी तुमने देखा सही सही बयान कर दो, इट्स सिंपल, डोंट वरी। सिंपल मैं क्या बयान करूँगा गीता जी, देखा नहीं है। जय माँ काली, आई विटनेस की शोक। राजू तो मर गया, राजू। गीता जी, गीता जी प्लीज मेरी बात सुनिए। दर्शकों, आपके फेवरेट प्रोग्राम गीता कपूर टुनाइट में गीता कपूर आपका स्वागत करती है। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि पटेल और जाली नोटों की स्कैंडल की जड़ तक हम पहुँच कर ही रहेंगे, और आज हमने इस केस में एक सेंसेशनल कामयाबी हासिल की है। अभी हाल ही में कत्ल की 2 वारदातें हुई, मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दफ्तरी और एक बिजनेसमैन मिस्टर देसाई। क्या इसमें माफिया का हाथ है? इन सब सवालों का जवाब हमें मिल सकता है आज के हमारे रोमांचक आई विटनेस से। जी हाँ, आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह, जिन्होंने ये मर्डर खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर राजू भटनागर का, एक दिलेर और बहादुर नौजवान, जिसने अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलने का बीड़ा उठाया है। मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा, भगवान बचा ले मुझे। ए राजूदा, राजूदा, बारा बारा, नहीं प्लीज मैन, प्लीज बाहर नहीं। गीता मैडम बुलाता है तुमको। अरे बाहर भी, गीता मैडम, मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अरे बोले ना, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, मैं टीवी पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ए बाबू मोशाई, हाथ जोड़ करता है, हाथ जोड़ करता बाबू मोशाई, हाथ जोड़। बोले अरे बोले, नहीं नहीं, शालिनी नहीं, ए शालिनी इमरजेंसी, तुम जाके गीता को बोलो वो आने को ना बोलता है। बाहर में गीता मैडम, बाहर में, बाहर में क्या बोलो। गीता, गीता इमरजेंसी, अनाउंस ब्रेक, ब्रेक। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिकॉर्ड करो इस कमीने का बयान। यस बॉस। अगर इसने केतु को देखा है तो इसकी आवाज बंद करनी होगी। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इंटरव्यू, इंटरव्यू। तेरे ने क्या इंटरव्यू यार? ये क्या तमाशा लगा रखा है? इन वक्त में धोखा दे रहे हो? तुमने वादा किया था ना इंटरव्यू देने का? वादा? कौन सा वादा? मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। You can't go from here. What nonsense is this? राजू, राजू, मैं भी देखती हूँ तुम इंटरव्यू दिए बगैर कैसे जाओगे। राजू, राजू समझने की कोशिश करो। मुझे, राजू मुझे मुझे कुछ नहीं समझता। प्लीज राजू, मैं इंटरव्यू अनाउंस कर चुकी हूँ। सुनो, मैं अपने दर्शकों को धोखा नहीं दे सकती। प्लीज राजू, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सुनो, क्या क्या तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। राजू, तुम्हारी वर्षा मुसीबत में है, ये उसकी इज्जत का सवाल है। अगर तुम टीवी पर नहीं गए तो उसकी नाक कट जाएगी। कट जाए, वैसे भी मेरी वर्षा नहीं है। हूँ राजू, जरा इधर देखो तो सही, मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी वर्षा को तुम्हारा ही सहारा है। वो तुम्हें जी जान से प्यार करती है पागलों की तरह। क्या तुम अपनी वर्षा की मदद नहीं करोगे? हाँ राजू, हाँ बोलो ना राजू, तुम मदद करोगे ना?
कहो ना। हाँ राजू बोलो ना। नहीं नहीं, आप गीता हैं, आप मेरी भाषा कभी नहीं हो सकती। अच्छा ये बात है। थ्री टू वन स्टार्ट। तो लीजिए दर्शकों, आपका इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया। मिलिए हमारे मेहमान से, मिस्टर राजू भटनागर। मिस्टर भटनागर क्या? मिस्टर भटनागर, अबे ओ वेटर, राजू, राजू। हाँ जी जी जी, पूछे पूछे, क्या पूछ रही थी गीता जी? तो आपने मिस्टर देसाई का मर्डर खुद अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आंखों से देखा है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ? हाँ, हुआ ये था कि क्या हुआ था? हाँ, जैसा आपको पता है कि मैं ओडीपी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता हूँ। होटल सम्मान नाम है उसका, अपने एरिया में सबसे पॉपुलर है वो। आप लोग भी आइएगा, वहाँ का जो पेपर डोसा है ना, फैमिली डोसा, कमाल का है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर राजू, जब आप अंदर गए थे तो क्या खूनी वहाँ पे था? वो दिखने में कैसा था, क्या आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हुलिया? हुलिया, हुलिया अच्छा था गीता जी, बहुत अच्छा था, जैसे हर कातिल का होता है। लेकिन लेकिन उसकी कोई खासियत, कोई ऐसी बात जो अलग हो? नहीं गीता जी, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ गीता जी, खासियत थी। क्या? उसके बाएं हाथ पर एक गुदने का निशान था। गुदना? यू मीन टैटू? हाँ, खोपड़ी का। खोपड़ी? खोपड़ी गीता जी, जिसके नीचे डेंजर लिखा होता है। गुड, वेरी गुड, राजू इज डूइंग ग्रेट। अब ये बताओ, उसके उसके कपड़े कैसे थे, कुछ याद है? कपड़े थे गीता जी, काले कोट पे काला शर्ट, नहीं, काली शर्ट पे काला कोट था। अच्छा? काली पैंट थी, काले लंबे बाल थे, और हाँ, वो अपने दांत ऐसे कचकचाता था, ऐसे नहीं, ऐसे। नहीं गीता जी, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे। क्यों बे राजू के बच्चे, हमें चकमा देकर तू क्या टीवी के सामने हीरो बन रहा है? चलो हमारे साथ। आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये अपने मर्जी से यहाँ आए हैं। अब यहाँ से जाइए और हमें अपना इंटरव्यू खत्म करने दीजिए। अरे इंटरव्यू तो हम लेंगे इसका, पुलिस थाने में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। रिकॉर्डिंग चालू है ना, आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। दर्शकों, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल रात इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मिस्टर राजू भटनागर से दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए गीता कपूर का नमस्कार और शुभ रात्रि। रोहित को इन्फॉर्म करो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, देख लूंगी शिंदे के बच्चे को। हरामखोर गधे कहीं के, अपने आप को बड़ा तोप समझता है, और वहाँ वहाँ आई विटनेस छोड़ के आ गया। लेकिन भैया वो तो रूम के बाहर चला गया था, पता नहीं उसने मुझे कब देख लिया। गधे, अगर तू मेरा भाई ना होता तो मैं तुझे गोली मार देता। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, मुझे वो वेटर किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आप फिक्र मत करो भैया, ये वेटर कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। गीता जी बताइए मैं क्या करूँ? घबराओ मत राजू, माफी मांग लो, पैर पड़ लो, कुछ भी कर लो, ये तुम्हें छोड़ देगा। बस मेरा एक काम करना होगा। और आपके लिए कितने काम करने हैं गीता जी, ये भी तो आप ही का काम है। बस एक सुनिए, मैं इनसे अकेले में 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? थैंक यू, आ जाऊँ। राजू बस एक काम और, कातिल का हुलिया गलत बताना। गलत क्यों? ये शिंदे बिल्कुल गधा है, वो पूरे केस का सत्यानाश कर देगा, इसीलिए बेहतर यही है कि उसे कातिल के बारे में कुछ पता न चले। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। राजू प्लीज मेरे लिए, नहीं, तुम्हारी वर्षा के लिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम अपनी वर्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं गीता जी, आप मेरी वर्षा नहीं। राजू आप मेरी वर्षा नहीं। ओके गीता जी, मैं अपनी वर्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। चलिए
ओके चलो।